बर्मा में हो रहे मुसलमानों के कत्ले आम को रोकने के लिए भारत के समस्त जगह से मुस्लिम समुदाय इस कत्ले आम को रोकने के लिए भारत सरकार से गुहार कर रहा है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि भारत सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम फरमान है। फरमान जी, आपका इतना बड़ा जलसा है, क्या है? सर हमारी अपने प्राइम मिनिस्टर से और हमारी वो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे ये मांग है कि जो ये जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, जो कत्लेआम हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि इसको इसी वक्त फौरन रोका जाए। बच्चों को मारा जा रहा है, उनको बिल्कुल उनके सर बिल्कुल उनके घर से अलग किए जा रहे हैं, तो एक ही इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है बिल्कुल। हम चाहते हैं कि इस इंसानियत के नाते से इस जुल्म को रोका जाए। क्या कारण है इस तरीके का, जो ये हमले होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता, महिलाओं को नहीं बख्शा जाता है? सर इसका कारण क्या हो सकता है? सर चीज़ तो वही बताएंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों वो लोग क्यों उन लोगों को क्यों मार रहे हैं। हालांकि उनका वो ऐसी मजलूम एक कम्युनिटी है, मजलूम लोग हैं, उनको इस वक्त कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आतंकवाद है, टेररिस्ट है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल गरीब लोग हैं, निहत्ते लोग हैं। हम बस यही चाहते हैं कि उनको किसी भी तरीके से उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको सेफ किया जाए, उनको इंसानियत के नाते बचाया जाए। ये रोहिंग्या क्या है? ये रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या शब्द कहाँ से आए, क्या मैटर है इसका? सर ये तो एक हिस्ट्री है, तारीख है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले जो मुसलमान आए थे तो अरब से आए थे, जो अरब से मुसलमान कुछ लोग आए थे और फिर इनके अखलाक और इनके आदात को देख के वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, बर्मा के जो लोग थे, उनकी आदतों अखलाक को देख के, उनकी तजारती मामलात को देख के उनसे मुतासिर हुए, इंप्रेस हुए और उन्हीं के साथ मिलते चले गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मुहाजिर मुसलमान है, बाहर से आने वाले मुसलमान हैं और इन्होंने इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाई है, इसकी वजह से वहाँ के लोग, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की फ़ौज, वहाँ के कुछ जो जालिम लोग हैं वो कत्लेआम कर रहे हैं, कत्ल गारतगिरी कर रहे हैं और इसी उसी को ये समझते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। सर हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से यही कहना चाहते हैं कि आप उनकी उन्होंने हिमायत की है माशाल्लाह, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ की जो हांगकांग सूची है उनसे उनके ऊपर प्रेशर डाले, जोर दे कि इस जुल्म को रोका जाए। जिस तरीके से अभी हमारे प्रधान जी वहाँ पर गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने एक आवाज़ दी थी कि जिस तरीके से वो कहते हमारा सबका साथ सबका विकास, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए।